चलिए यस, मैं कुलदीप। तो अपन ने ट्रांसफॉर्मर खत्म कर दिया है और आज से जो अपना ये प्रोग्राम है वो इंडक्शन मशीन का है, यानी कि आज से जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वास्तव में इंडक्शन मशीन है। अब यहां से इसकी रेगुलर क्लासे लगेगी इंडक्शन मशीन की, हर एक दो दिन में। तो वास्तव में इंडक्शन मशीन है, जब ये वर्ड इंडक्शन आ जाए तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए इंडक्शन का मतलब एसी मशीन। मतलब ये पूरा जो प्रोग्राम है इसमें डीसी की चर्चा होगी ही नहीं, क्योंकि ये कौन सी मशीन है? एसी मशीन है। हमारे घर में एसी आती है, हमारे घर की सारी मोटर है वो एसी मोटर ही है, तो इंडक्शन मशीन का मतलब एसी मशीन। अब यहां हमने मशीन लिखा है तो मशीन का मतलब मोटर और दूसरा क्या है? जनरेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन मोटर और दूसरा इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर ये सिंक्रोनस जनरेटर नहीं है, ये इंडक्शन जनरेटर है, इसकी भी हम बात करेंगे। इसे विंड पावर प्लांट में हम काम में लेते हैं, डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक का करेंगे। फिर यहां लिखा है हमने इंडक्शन मोटर यानी कि एसी मोटर। अब इंडक्शन मोटर भी दो तरह की होती है, एक थ्री फेज और दूसरी कौन सी है? सिंगल फेज। अगर थ्री फेज की बात करें, हमारी जितनी भी फैक्ट्री है उन फैक्ट्रियों में ज्यादातर जो मोटर है वो थ्री फेज की इंडक्शन मोटर ही है, डन और नो डन। दूसरी कौन सी है? सिंगल फेज की। हमारा जो घर है, छाछ की मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज की मोटर, जितनी भी हमारे घर में मोटर है वो वास्तव में सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर है। इंडक्शन क्यों? हमारे घर में तो एसी आती है। अब अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे स्क्वायरल केज, स्लिप रिंग और उसके बाद में डबल स्क्वायरल केज, इनकी हम बात करेंगे। भारत में फैक्ट्रियों में जो मोटर है उनमें से 90% इंडक्शन मोटर है, और उनमें भी जो ज्यादातर है वो कौन सी है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अच्छा, अगर हम सिंगल फेज की बात करें, स्प्लिट है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है, उसके बाद में शेडेड पोल इंडक्शन मोटर है। हम घुमा घुमा करके अगले जो 10-12-15 लेक्चर होंगे उसमें इसी प्रोग्राम की बात करेंगे, यानी कि इंडक्शन मशीन। यस यस, चलिए। तो ये जो इंडक्शन मोटर, ये जो इंडक्शन मशीन है, इसमें अब हमारा टारगेट वास्तव में थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है। यस, थ्री फेज की इंडक्शन मोटर अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज हमारा जो टारगेट है वास्तव में वो थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है, यानी कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो थ्री फेज की इंडक्शन मोटर पढ़ने वाले हैं, डन है। अब सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है थ्री फेज, तो हम आपको बता देते हैं कि थ्री फेज और सिंगल फेज केवल एसी में होते हैं, डीसी में नहीं होते। तो ध्यान रखना, जैसे ही थ्री फेज है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सिंगल फेज और थ्री फेज किस में होता है? केवल एसी में। उसके बाद में वर्ड क्या लिखा हुआ है? इंडक्शन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन भी केवल और केवल किस में होता है? एसी में ही होता है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए, अगर कहीं भी वर्ड इंडक्शन लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? एसी। उसके बाद में वर्ड लिखा हुआ है मोटर। अब ये थ्री फेज की मोटर है ये मुझे पता है, छाछ की मोटर, कूलर की मोटर, फ्रिज की मोटर, कोई सी भी मोटर, कुएं की मोटर, सब की सब मोटर को हम किससे कनेक्ट करते हैं? बिजली से कनेक्ट करते हैं। बिजली का मतलब इलेक्ट्रिकल पावर से हम कनेक्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पावर, डन और नॉट डन। मैं कहना ही चाहता हूं हमारी छाछ की मोटर, कूलर की मोटर, हमारी कुएं की मोटर, कोई भी मोटर है उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? सप्लाई से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। अब यहां मोटर कितने फेज की है? थ्री फेज की। तो सप्लाई भी कितने फेज की होगी? थ्री फेज की सप्लाई होगी। अब आप ये मत कहना मुझे पता है घर की मोटर सिंगल फेज है, लेकिन मैं कहना ही चाहता हूं कोई सी भी मोटर हो हम आखिरकार कनेक्ट उसको किससे करते हैं? सप्लाई से। अब मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करना है, तो मैंने ये मान लिया कि ये हमारी मोटर है, ये हमारी मोटर है, एकदम बढ़िया, ये मैंने मोटर मान ली और इसको सप्लाई से कनेक्ट करना है। अब मोटर में हम किसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे? भाई मोटर को बिजली देनी है तो मोटर में किसको बिजली देनी है? ऐसे तो है नहीं मोटर के बाहर के भाग को बिजली देनी है, ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें मोटर को सप्लाई से कनेक्ट करना है, यानी कि ये हमारी मोटर है और इसको सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो मोटर में सप्लाई से किसको कनेक्ट करते हैं? वाइंडिंग को। तो अचानक हमारी चर्चा में क्या आ गई? वाइंडिंग आ गई। ये हमारी चर्चा में वाइंडिंग आ गई, और काई की वाइंडिंग? कॉपर के तार।
यानी कि वाइंडिंग के रूप में हमारे पास में क्या होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, यानी कॉपर के क्या है, वायर है। डन और नो डन। अब सबसे पहली बात है ये कितने फेज की मोटर है, थ्री फेज की मोटर है। तो थ्री फेज की मोटर में थ्री फेज का होता क्या है, वास्तव में थ्री फेज की मोटर में थ्री फेज की होती है वाइंडिंग। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थ्री फेज की जो वाइंडिंग है या तो किसमें होगी, स्टार में, या किसमें होगी, डेल्टा में। अगर मैं स्टार की बात करूं तो ये आपका होगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया स्टार और ये आपका क्या हो गया, डेल्टा, ये हो गया डेल्टा। थोड़ा सा कंफ्यूजन, ये क्या सीन है, अरे भाई थ्री फेज की मोटर है तो थ्री फेज की मोटर को थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है, कनेक्ट करेंगे किसको, वाइंडिंग को, ये मैंने वाइंडिंग मान ली। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाइंडिंग कितने फेज की है, थ्री फेज की है। और थ्री फेज की वाइंडिंग या तो किसमें होगी, स्टार में, या किसमें होगी, डेल्टा में। तो आप ये मान लो कि ये वाइंडिंग या तो स्टार में या किसमें है, डेल्टा में। अब इस वाइंडिंग को मैंने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है, मतलब आप ये समझो ये हमारे कुएं की मोटर है और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज से। कितने फेज का वोल्टेज है, थ्री फेज का, मोटर को कनेक्ट किया है। तो मोटर में कनेक्ट किसको किया है, वाइंडिंग को कनेक्ट किया है, कॉपर के तारों को। वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो इस वाइंडिंग में क्या फील होगी, करंट, एकदम बढ़िया धुआंधार। इस वाइंडिंग में क्या फील हो रही है, करंट जी, क्या फील हो रही है, करंट। मैंने अपनी मर्जी से मान ली कि ये करंट कितनी है, 10 एम्पियर है। अच्छा करंट फिलो कहां हो रही है, ये करंट, ये क्या है, ये इनमें फिल हो रही है, ये क्या है, ये इनमें करंट फिल हो रही है, क्या है ये टर्न है, टर्न। तो मैंने मान ली है कि ये सभी जो टर्न है, मान लो कि ये 15 टर्न है, कितने टर्न है, 15, एकदम बढ़िया। ये जो 10 एम्पियर करंट फिल हो रही है, एकदम बढ़िया, 15 टर्नों में से फिल हो रही है। तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 एम्पियर टर्न हो गया। और सुबह से हम यही काम हम कह रहे हैं, एम्पियर टर्न है ना, ये यूनिट होती है किसकी, MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। और काय का मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेट बन गया मैग्नेट है जी, वोल्टेज, और वोल्टेज से क्या बन गया, मैग्नेट, मैग्नेट बन गया। और मैग्नेटोमोटिव फोर्स उसके कारण क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एकदम बढ़िया, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। मतलब सबसे पहले वोल्टेज, वोल्टेज के कारण क्या बह रही है, करंट वाइंडिंग में, करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ, और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब धुआंधार हमारी ये जो मोटर है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बन गई। और काय का मैग्नेटिक फ्लक्स, वही मैग्नेट जो लोहे को खींचता है, वो मैग्नेट बन गया। तो ये चमत्कार से कम नहीं है कि बिजली से क्या बन गया, मैग्नेट। ये जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज कौन सा है, एसी है, ये एसी वोल्टेज है। ये हमारी करंट है, ये करंट भी कौन सी है, एसी है, ये करंट भी हमारी एसी है। तो ये जो मैग्नेट का फ्लक्स है ना, ये मैग्नेट का फ्लक्स भी कौन सा है, एसी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी एसी है। जैसे हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो जमीन से हर एक पॉइंट पर हमारी ऊंचाई अलग अलग रहती है, तो वो वोल्टेज जिसका मान बार बार बदलता है, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, एसी वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज एसी, करंट एसी, और जो मैग्नेट बनाए वो भी क्या है, एसी। अब सबसे बड़ी और जो चमत्कारिक बात है वो ये है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो रोटेट करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सप्लाई थ्री फेज है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, रोटेट करता है। तीन फेज का मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है, दो फेज का मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है, सिंगल फेज का मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी जो इस मोटर में मैग्नेट बना, मैग्नेट बना तो बना, मैग्नेट धुआंधार क्या कर रहा है, घूम रहा है, मोटर में धुआंधार मैग्नेट क्या कर रहा है, घूम रहा है। और कौन सी स्पीड से घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कौन सी मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, घूम कौन रहा है, फ्लक्स से, और कौन सी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। एक्चुअल में सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 एफ अपॉन पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और धुआंधार हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, घूम रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स घूमता है, लेकिन थ्री फेज का ही घूमता है, केवल किसका घूमता है, थ्री फेज का। अब हम ये बात जानते हैं कि मोटर में हमको घुमाना होता है रोटर को,
जो मोटर है, मोटर का जो भाग क्या करता है, घूमता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रोटर। तो ये मैं, अब हमारी चर्चा में अचानक कौन आ गया, ये आ गया साहब, ये रोटर है। क्या है वो भाग जो घूमता है उसे बोलते हैं रोटर। इस रोटर में स्लोट होते हैं, ये रोटर है और इस रोटर में क्या होते हैं, स्लोट। और इन स्लोटों में क्या भरा होता है, किसी में दूध और किसी में पानी होता है। याद कर रहे हो, इन स्लोटों में भी क्या होती है, वाइंडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन स्लोटों में भी क्या होती है, वाइंडिंग होती है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर, मोटर का भी रोटर, रोटर में भी स्लोट और इन स्लोटों में भी क्या है, वाइंडिंग। डन और नो डन? ये जो वाइंडिंग है ये हमारा क्या है, स्टेटर। और स्टेटर पर जो वाइंडिंग है इसे बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और जो रोटर पर वाइंडिंग है इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग तो सुने सुने शब्द लग रहे हैं। प्राइमरी और वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें होती है, ट्रांसफार्मर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर किसके समान है, ट्रांसफार्मर के समान है। चलिए अब क्या हुआ, धुआंधार ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है, एकदम बढ़िया मैग्नेट का फ्लक्स घूम रहा है। और उस मैग्नेट के फ्लक्स में कौन रखा है, रोटर। रोटर के ऊपर क्या है, वाइंडिंग। रोटर की वाइंडिंग को किसी सप्लाई से कनेक्ट नहीं करते। अब जब ये मैग्नेट का फ्लक्स घूमता है तो ये जो रोटर की वाइंडिंग है, ये रोटर की मैंने क्या मान ली, वाइंडिंग। तो जब ये मैग्नेट का फ्लक्स घूमेगा तो इस रोटर की, ये तो वाइंडिंग है यानी कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर से संपर्क होगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये क्या नाटक है, अरे भाई रोटर है, रोटर पर ये वाइंडिंग मान ली मैंने, कितने फेज की, थ्री फेज की, और काहे की वाइंडिंग, कॉपर का तार है। तो जब इस कॉपर के तार से संपर्क होगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स साहब, ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। कितने फेज का है, थ्री फेज का है। तो जैसे इसका संपर्क होगा तो इस, तो एक वो वैज्ञानिक है जिसका नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या कहा कि मैग्नेट का, ध्यान रखना मैग्नेट बिजली नहीं है, माइकल फैराडे का मैग्नेट का संपर्क हो जाए कॉपर की कोयल से तो उस कॉपर की कोयल में क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ। ईएमएफ के कारण क्या फील होती है, करंट। मतलब ये जो रोटर की वाइंडिंग है, इस रोटर की वाइंडिंग में क्या बहने लग गई, करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये फ्लक्स घूम रहा है धुआंधार, इस फ्लक्स का संपर्क किससे हुआ, रोटर, रोटर की भी वाइंडिंग से, उसमें क्या उत्पन्न हुआ, ईएमएफ, और ईएमएफ के कारण क्या फील हुई, करंट। तो रोटर की करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये घूमता हुआ फ्लक्स, इन दोनों में जबरदस्त रिएक्शन होती है और रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, टॉर्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या उत्पन्न होता है, टॉर्क। और इंडक्शन मोटर में टॉर्क का फॉर्मूला होता है फाइ आई टू और कोस फाइ टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डीसी मशीन का है और ये इंडक्शन मशीन का है, फाइ आई टू और कोस फाइ टू। घूमता हुआ फ्लक्स, घूमता हुआ फ्लक्स और रोटर की करंट, इन दोनों के बीच जबरदस्त रिएक्शन हुई और रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न हुआ, टॉर्क। काई का टॉर्क, बल, फोर्स उत्पन्न हुआ, लेकिन वो फोर्स क्या है, गोल वस्तु को घुमा रहा है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, टॉर्क। तो जैसे ये बल उत्पन्न होगा, ये बल, ये फोर्स इस रोटर को क्या करेगा, घुमाएगा, और धुआंधार हमारा रोटर क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। लेकिन इस रोटर की जो स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड से क्या होगी, कम होगी। चलिए अब इसको हम अच्छे से लिख के बता देते हैं, यस। चलिए तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था उनको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज, ये सप्लाई वोल्टेज है और ये जीएसएस से आया है। सप्लाई वोल्टेज कौन सा है, एसी वोल्टेज है, एसी। अरे भाई हम पहाड़ पर चढ़ते हैं जमीन से, तो हर एक, जब पहाड़ पर चढ़ेंगे तो जमीन से हमारी हर एक पॉइंट पर ऊंचाई अलग रहेगी, तो वो वोल्टेज जिसका मान बार बार बदलता है वो एसी वोल्टेज है। तो जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज के कारण क्या फील होती है, करंट, धुआंधार करंट फील हो रही है। कहां पर है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में। इंडक्शन मोटर में कहां पर है, वाइंडिंग में, और काई की वाइंडिंग कॉपर के तारों में। धुआंधार क्या फील हो रही है, ये जो कॉपर के तार आपको दिख रहे हैं इनमें बढ़िया करंट फील हो रही है, ये करंट कौन सी है, एसी। ये मैंने मान लिया। अब मैं ये मानता हूं कि टोटल 20 टर्न है, टोटल 20 टर्न है, ये गोल गोल आपको जो दिख रहे हैं ना घुमाओ, इन्हीं को बोलते हैं टर्न।
अब ये धुआंधार ये जो 10 एम्पियर है वो 20 टर्नों में से फिल हो रही है इन। अच्छा अब मुझे पता है करंट थ्री फेज में अलग अलग है, पर समझने के हिसाब से मान रहे, तो 10 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 एम्पियर टर्न। और एम्पियर टर्न किसकी यूनिट है? एमएमएफ की। और उसके कारण क्या आएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, वोल्टेज, उसके कारण करंट। वोल्टेज इलेक्ट्रिकल है, वोल्टेज कारण करंट ये भी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इसके कारण एमएमएफ आया, मैग्नेटिक फ्लक्स आया, ये इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बन गया। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, वोल्टेज भी एसी करंट भी एसी, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या है? एसी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स आया यहां तक तो सही है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? घूम रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं, मान लो ये हमारी मोटर है और इसमें ये हमारी वाइंडिंग है, इसको मान लो हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है, तो इसकी जो खाली जगह है, गैप है, उसमें मैग्नेट बन रहा है और वो मैग्नेट क्या कर रहा है? घूम रहा है। और कौन सी स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से। धुआंधार मैग्नेटिक फ्लक्स सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, 120 F/P, यानी मैग्नेट क्या कर रहा है? घूम रहा है। लेकिन हमारी चाहत क्या है? हम घुमाना चाहते हैं रोटर को। किस घुमाना चाहते हैं? अब धुआंधार ये मान लिया मैंने रोटर है, इस रोटर के चारों ओर धुआंधार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? घूम रहा है। ये मैंने रोटर मान लिया, इसके चारों तरफ धुआंधार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? घूम रहा है। रोटर, रोटर में क्या है? स्लॉट। और स्लॉट में क्या है? ये मैंने मान ली वाइंडिंग। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा तो इस वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। अब जब कोई वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा, और अगर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो तो फिर ईएमएफ के कारण क्या फील होगी? करंट। तो जाना ना, शॉर्ट सर्किट है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इंडक्शन मोटर ट्रांसफॉर्मर के समान है जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट है, ईएमएफ के कारण करंट आ गई। तो ये घूमता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स और रोटर की करंट, इन दोनों के बीच जबरदस्त रिएक्शन होती है, और उसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? एक फोर्स उत्पन्न होता है। लेकिन और वो फोर्स क्या करता है? इस गोल वस्तु पर लगता है, रोटर पर लगता है। तो गोल वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? टॉर्क। और जैसे ही टॉर्क उत्पन्न होगा तो ये रोटर हमारा क्या करने लग जाएगा? घूमने लग जाएगा। लेकिन ये रोटर की जो स्पीड है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है? कम होती है। डन और नो डन? तो वोल्टेज, फिर करंट और मैग्नेट, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेट बना, मैग्नेट से टॉर्क बना, और फिर रोटर क्या करने लग गया? घूमने लग गया। किसी वस्तु का घूमना ये मैकेनिकल पावर है, ये हमारी मैकेनिकल पावर है, ये मैकेनिकल पावर है। तो कोई सी भी मोटर हो वो इलेक्ट्रिकल पावर को किसमें बदलती है? मैकेनिकल पावर में। और कोई रोटर घूम रहा है उसको आप पकड़ कर देख लो, उसमें करंट नहीं आता। घूमने का मतलब मैकेनिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में। देखो क्या बात है, किसी पहिए का घूमना, किसी रोटर का घूमना, बिजली से इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में बदलती है मोटर। लेकिन कैसे? इलेक्ट्रिकल से पहले मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट से फिर टॉर्क उत्पन्न होगा, जब रोटर हमारा क्या करेगा? घूमेगा। ये मैकेनिकल पावर है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर है ना, वो सेल्फ स्टार्ट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, सेल्फ स्टार्ट होती है। मैंने ये मान लिया कि ये सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM है, ये मैंने क्या है 1500 RPM, क्या है ये स्पीड? किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड है। लेकिन ये रोटर की जो स्पीड है हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है? कम। जैसे ये 1500 है तो 1440 RPM है। तो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड, इसका अंतर ही क्या कहलाता है? सिविल। तो क्या कहलाता है? और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्लिप। हम हर 10 मिनट बाद किसकी बात करेंगे? स्लिप की बात करेंगे। यस। तो अब अपने जो फोकस करेंगे वो स्लिप पर करेंगे। स्लिप, स्लिप फ्लक्स की सिंक्रोनस स्पीड और ये रोटर है ना जो घूम रहा है, इसकी स्पीड का अंतर ही क्या है? स्लिप। क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसने बनाया है? प्राइमरी वाइंडिंग ने। तो प्राइमरी वाइंडिंग ने क्या बनाया है? मैग्नेटिक फ्लक्स, इसलिए इसको फील्ड वाइंडिंग भी कहते हैं। तो फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड, इनका अंतर ही क्या कहलाता है? स्लिप। अगले 10 मिनट में हम स्लिप पर ही फोकस कर रहे हैं। चलिए, तो स्लिप की चर्चा यहां पर आ गई है। तो स्लिप के लिए हम यूज कर रहे हैं एस बराबर एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ये इसका वास्तविक सूत्र है।
कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, थ्योरी में तो हम कहते हैं भाई सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का अंतर स्लिप है, और एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये है। अब घूम घूम कर हम इसी फॉर्मूले की बात करेंगे, तो हम आपको एक छोटा सा केस बता रहे हैं। देखो केस क्या है, मान लो रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे बिल्कुल 10 बज रहे हैं, बिल्कुल 10:10 PM है, और हमने हमारी कुएं की मोटर को वोल्टेज से कनेक्ट किया, तो वोल्टेज के कारण क्या फ्लो होगी, करंट, करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण MMF, उसके कारण फ्लक्स, और फिर वो फ्लक्स क्या करेगा, घूमेगा, कौन सी स्पीड से, सिंक्रोनस स्पीड से। फ्लक्स घूमेगा तो उस फ्लक्स का संपर्क किससे होगा, रोटर की वाइंडिंग से, फिर रोटर की वाइंडिंग में क्या उत्पन्न होगा, EMF, फिर क्या फ्लो होगी उसमें, करंट, फिर फ्लक्स से और करंट के बीच में क्या होगी, रिएक्शन, और फिर क्या उत्पन्न होगा, टॉर्क, और उसके बाद रोटर क्या करेगा, घूमेगा। तो मैं ये बात मान सकता हूं कि अगर अपने साधारण तरीके से समझे तो मान लो ये घूम रहा है मोटर आपकी 10 बज के और मान लो 5 मिनट में, देखो ये मैं माफी चाहता हूं 5 मिनट बहुत बड़ा टाइम बता रहा हूं मैं, लेकिन समझने के लिए, मैं भी जानता हूं 10 बजे मोटर कनेक्ट करेंगे तो 10 बज के 1 सेकंड पे चलने लग जाएगी, लेकिन मैं मान रहा हूं 10 बज करके 5 मिनट में रोटर क्या करने लग रहा है, घूमने लग रहा है, क्यों, वोल्टेज, फिर करंट, फिर एम्पियर टर्न, फिर MMF, फिर फ्लक्स, फिर वो फ्लक्स घूमेगा, फिर उसका संपर्क रोटर की वाइंडिंग से होगा, फिर रोटर की वाइंडिंग में करंट बहेगी, फिर इन दोनों के बीच में रिएक्शन उत्पन्न होगी, फिर टॉर्क बनेगा और तभी रोटर करेगा, घूमेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि बिल्कुल 10 बजे जब मैंने मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया है, बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूं बिल्कुल 10 बजे, तो रोटर की स्पीड क्या थी, 0। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिल्कुल जैसे ही हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल उसकी उस टाइम तो रोटर घूमेगा नहीं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड क्या रहेगी, 0। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पीड 0 है तो स्लिप बराबर क्या हो जाएगा, NS-0/NS, यानी कि S का मान कितना हो गया, 1, या फिर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 100%। बहुत ही तगड़ी बात है, कई बार एग्जाम में आया है बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लिप का मान 1 होता है, डन और नो डन, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्लिप का मान 1 है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड क्या है, 0 है। अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर, उसमें अगर कोई पढ़ा हो तो वहां एक टेस्ट करवाया जाता है ब्लॉक रोटर, आप वहां एक टेस्ट करवाते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट, और उस ब्लॉक रोटर टेस्ट में रोटर को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। तो अगर ब्लॉक रोटर आप टेस्ट कर रहे हो, रोटर को अगर आपने बांध दिया तब भी स्पीड आपकी क्या होगी, 0, और अगर आपकी स्पीड ब्लॉक बिल्कुल रोटर को बांध दिया है स्पीड 0, तब भी स्लिप का मान क्या होगा, 1, या स्लिप आपकी कितनी होगी, 100%। तो रोटर की स्टार्टिंग है। अच्छा, एक वर्ड और कई बार एग्जाम में आ जाता है, उसे बोलते हैं स्टैंड स्टील, मतलब स्थिर अवस्था। तो देसी बात यह है, अगर रोटर नहीं घूम रहा तो स्लिप का मान 1 या क्या होगा, 100%। अच्छा, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्पीड का मान 0 क्यों है, वोल्टेज, फिर करंट, फिर एम्पियर टर्न, फिर MMA, फिर फ्लक्स घूम रहा है, फिर फ्लक्स का संपर्क रोटर की वाइंडिंग से हो रहा है, फिर रोटर की वाइंडिंग में EMF आ रहा है, EMF के कारण करंट फ्लो हो रही है, फिर उस करंट का फ्लक्स का संपर्क होकर तब टॉर्क आ रहा है, और तब रोटर क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में, या जब रोटर ब्लॉक है या स्टैंड स्टील, तो स्लिप का मान क्या है, 1। हम तो ये नहीं चाहते हमारे रोटर की स्पीड 0, उस मोटर का क्या करेंगे जिसमें रोटर ही ना घूम रहा हो, ऐसा हम नहीं चाहते। तो फिर तुम क्या चाहते हो, हम ये मान लेते हैं कि जो रोटर है इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, एकदम बढ़िया, रोटर की स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड क्या है, बराबर, तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, NS-N/NS, यानी कि NS-NS तो क्या हो जाएगा, 0। अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इंडक्शन मोटर में ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी इंडक्शन मोटर में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती, यानी कि स्लिप का मान 0 तो हो नहीं सकता, और स्लिप का मान 1 या 100% हम नहीं चाहते। क्या कहा मैंने, स्लिप का मान 0 ये तो हो नहीं सकता, और स्लिप का मान 1 या 100% ये हम नहीं चाहते। तो फिर क्या करें, स्लिप क्या होगी, फिर देखते हैं। हमने मान लिया
जो नॉर्मल जो हम कंडीशन मान रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन हम मान रहे हैं, हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड फ्लक्स की, वो मैंने मान ली 1500 आरपीएम, और रोटर मान लो 1440 आरपीएम पर घूम रहा है, अपॉन क्या हो गया 1500, तो ये क्या हो जाएगा 60/1500, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 0.04, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4%, यानी 4%, यानी कि 0.04, और परसेंट में कितना हो गया 4%। तो नॉर्मल कंडीशन में इस रोटर की स्पीड लगभग फ्लक्स की स्पीड के बराबर ही होती है, मतलब 1440 और 1500 ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये जो रोटर की स्पीड है लगभग सिंक्रोनस स्पीड के पास होती है, तो ये हमारी जो स्लिप है ना, ये भी जीरो के क्या होती है, पास होती है, यानी कि 0.04 तो जीरो के पास है, यानी कि 4% हमारी स्लिप है। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आते रहते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कि नॉर्मल कंडीशन में थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान क्या होता है, तो जीरो से तो ज्यादा और एक से कम, भाई 0.04 एक से कम तो है ही भाई, अभी हमने देखा है स्लिप का मान कितना है 0.4 और जीरो, तो ये 0.04 है, ये जीरो से तो ज्यादा है, एक से क्या है कम, तो नॉर्मल कंडीशन में इंडक्शन मोटर में जो स्लिप है वो आपकी जीरो से ज्यादा और एक से कम होती है, या फिर जीरो और एक के बीच में होती है। क्या झोल झाल कर दिया ये, बिल्कुल शुरुआत में स्लिप का मान एक, अगर स्पीड सिंक्रोनस हो जाए तो स्लिप का मान जीरो, साधारण कंडीशन में क्या होता है जीरो और एक के बीच में होती है, जीरो और एक के बीच में होती है, डन है। अब जब स्लिप की हमको इतनी सारी बातें पता चल गई तो हमने सोचा अब तो हम सीधे विद्वान ही हो गए, बढ़िया। 2015 फरवरी में पेपर हुआ था राजस्थान पीएचडी का, उसमें आया था इंडक्शन जनरेटर, कि बताओ भाई इंडक्शन जनरेटर की स्लिप क्या होती है, मतलब स्लिप सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड का अंतर, उसने कहा बहुत ऐसे पढ़े लिखे, तुम डायरेक्ट बताओ इंडक्शन जनरेटर में स्लिप का मान क्या होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्लिप बराबर एनएस मैंने मान लिया 1500, और नीचे भी एनएस है ये भी मैंने मान लिया 1500, इंडक्शन जनरेटर में जो रोटर की स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से भी ज्यादा होती है, मैंने मान लो 1800, डन और नॉट डन, तो ये कितना हो गया -300/1500, ये 100 से 00 यानी माइनस, ये हो गया 1/5 यानी कि -0.2, ये 0.2 इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडक्शन जनरेटर में स्लिप नेगेटिव होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें नेगेटिव भी ऑप्शन में नहीं था, उसमें आंसर था इंडेक्स, अब नेगेटिव तो जीरो से कम होता है, तो इंडक्शन जनरेटर में जो स्लिप है वो क्या होती है नेगेटिव होती है, क्यों? मतलब इंडक्शन जनरेटर में स्लिप जीरो से भी क्या होती है कम होती है, डन और, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं स्लिप, ये आप अच्छे से समझे, और इंडक्शन जनरेटर में नेगेटिव है। चलिए, तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वास्तव में नट सेल है, या फिर कंक्लूजन हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर एसी मोटर है, कोई डाउट नहीं, डीसी की चर्चा ही नहीं, एसी मोटर है, ये ट्रांसफॉर्मर के समान है, लेकिन ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट हो, ये हमारी सेल्फ स्टार्ट भी है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। सबसे पहले वोल्टेज से कनेक्ट किया, किसको, प्राइमरी वाइंडिंग को, ये प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज से कनेक्ट किया, ये वाइंडिंग किसमें होगी, स्टार में या डेल्टा में, ये तो अभी हमने एक वायर ले रखा है, वोल्टेज से प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या बहेगी करंट, इस वाइंडिंग में एकदम बढ़िया क्या फिल हो रही है करंट, कहां पर, प्राइमरी वाइंडिंग में, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फिल हो रही है उसके कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ, और उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स, जी मजा आ गया, मैग्नेट बन गया पूरी मोटर में एकदम बढ़िया, मैग्नेट बन गया गैप में, एयर गैप में, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अल्टरनेटिंग है और रोटेटिंग है, यानी कि धुआंधार मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्पीड है वो क्या होती है, सिंक्रोनस। इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड से कौन घूमता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, 120 F/P। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगा, कहां पर, सेकेंडरी वाइंडिंग में, जो कहां पर है, रोटर पर, सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या फिल होगी, करंट। तो रोटर की करंट यानी सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट
और स्टेटर का फ्लक्स, यानी कि ये यहां पर घूम रहा है वो फ्लक्स और रोटर की करंट, इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी, उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, टॉर्क, यानी कि एक बल उत्पन्न होगा और वो बल एक फोर्स इस रोटर को क्या कर देगा, घुमा देगा। डन और नो डन? अब हमारा रोटर क्या करने लग गया, घूमने लग गया। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल फाइ आई टू और कोस फाइ टू, वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉर्क का फॉर्मूला, फाइ आई टू और कोस फाइ टू। और कई एग्जामों में आ जाता है कि टॉर्क है ना ये पावर के समान भी होता है, क्योंकि फ्लक्स वोल्टेज के समान होता है। रोटर है ये, इस पर जो वाइंडिंग होगी वो शॉर्ट सर्किट होगी। अब ये रोटर क्या करने लग गया, घूमने लग गया। तो रोटर की जो स्पीड है ना हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है, कम होती है। अब स्लिप क्या होती है, एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। अरे भाई फ्लक्स की स्पीड और रोटर की स्पीड का अंतर स्लिप है। स्टार्टिंग में या स्टैंड स्टील में या रोटर जब ब्लॉक हो, मतलब रोटर घूम ही नहीं रहा, रोटर की स्पीड जीरो, तो स्लिप बराबर यहां हमने जीरो रख दिया, वन, ये 100%। तो एग्जाम में आ सकता, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में स्लिप का मान वन होता है या 100% होता है। अगर रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो तो पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन मान लेते हैं अगर बराबर है तो एनएस माइनस एनएस, भैया एन की जगह आप एनएस रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रोटर की स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है तो स्लिप का मान जीरो होगा, ऐसा इंडक्शन मोटर में होता ही नहीं है। ये तो हम चाहते नहीं भाई रोटर नहीं घूमे, और ऐसा होता नहीं है। तो नॉर्मल कंडीशन में रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम तो होती है, लेकिन पास में होती है। तो 1500 में 1440 जाएगा तो कितना होगा, 0.04। ये जीरो से तो ज्यादा है और एक से क्या है, कम। तो नॉर्मल कंडीशन में मोटर में आपकी स्लिप हो गई है। ये हमने थोड़ा सा इंडक्शन मोटर से बाहर ज्ञान दिया, बाद में देखेंगे। इंडक्शन जनरेटर की स्पीड ज्यादा होती है किससे, सिंक्रोनस से भी। तो ये मान लिया मैंने 1500, ये मान लिया मैंने 1800, 15 में से 18 जाएगा 300, तो ये आ जाएगा -0.02। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडक्शन जनरेटर में स्लिप नेगेटिव होती है, और नेगेटिव का 5 है ना ये तो जीरो से कम ही होता है। तो स्लिप इंडक्शन जनरेटर में नेगेटिव होगी होती है या जीरो से कम होती है, लेस देन जीरो। प्लगिंग, इसकी बात हम ब्रेकिंग में करेंगे, लेकिन इसकी जो स्लिप है, ये प्लगिंग का फॉर्मूला था 2-S, ये ग्रेटर देन होती है 1 से, या कह सकते हैं ये आपका नियर टू 2, यानी लगभग 2 के पास होती है, ये 2 के पास होती है प्लगिंग में। प्लगिंग में क्या करते हैं, दोनों टर्मिनल मतलब 3 फेज में से 2 फेज को आपस में बदल देते हैं। तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है। अब यहां से आगे जितने भी लेक्चर हो 3 फेज इंडक्शन मोटर के ही होंगे, बीच बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाएंगे और बेसिक भी पढ़ाएंगे, आप शांति से बस पढ़ते रहें। यस।